नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गुप्ता आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, रीजनिंग में ये कैलेंडर का लेक्चर नंबर 3 है और हम पिछली वीडियो में आपको सिखा रहे थे कि डेट से डे कैसे निकालते हैं। चलिए आइए एक दूसरे प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था? मित्रों, सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात को ध्यान में रखिएगा, क्या कि बीसम दिन निकालना है इस डेट में। ओके, टोटल जो बीसम दिन आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, सेंचुरी, ईयर, मंथ और डे, इसी में बीसम दिन निकाल दीजिएगा और आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे? क्योंकि कोई भी डेट बनता है सेंचुरी, ईयर, मंथ और डे से बनता है। सेंचुरी इसमें कितना है? 2000 है, ध्यान दीजिएगा। ईयर जो है 17 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ईयर कितना लेंगे? 16 वर्ष लेंगे। मंथ में एक भी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, 0 है। और डे में हमें कितना जाना है? 26 जनवरी तक जाना है, ठीक है। 26 जनवरी दिन है, 26 दिन 7 का भाग दे देंगे, हमारा बीसम दिन कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 16 वर्ष में ध्यान देंगे, 16 वर्ष में लीप वर्ष 4 होते हैं, टोटल 20 हो गया। 20 में 7 का भाग देंगे, ठीक है, 20 में 7 का भाग देंगे, शेष कितना बचेगा? 6 बचेगा। और 2000 में बीसम दिनों की संख्या 0। अब देखिए, 6 यहाँ बीसम दिन, 5 यहाँ, तो टोटल ऑड डे आएगा। टोटल ऑड डे 6 + 5 कितना हो गया? 11, 7 से ज़्यादा है, 7 का भाग दे देंगे, शेष कितना बचा? 4। और मित्रों आप ध्यान देंगे, 26 जनवरी 2017 को बीसम दिन 4 आया, 4 का कोड क्या होता है? बुधवार। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बुधवार, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी डेट अगर दिया हो तो हम आसानी से डे जो है फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न आपको अभ्यास के लिए मैं बता देता हूं, थोड़ा टेढ़ा, जो आपको टेढ़ा लगता होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 25 अप्रैल 2027 को कौन सा दिन होगा? ओके, 25 अप्रैल 2027 को कौन सा दिन होगा? मित्रों आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है, अगर जो भी आंसर आया है आप कैलेंडर में चेक कर सकते हैं। सेंचुरी कितना है? सेंचुरी 2000 है, और 2000 में बीसम दिनों की संख्या 0। ईयर देखेंगे, ईयर 26 बीत चुका है, 26 वर्ष, और 26 वर्ष में बीसम दिन कैसे निकालते हैं? 26, और ध्यान दीजिएगा, 26 में लीप वर्ष निकालेंगे 26 वर्ष में, तो 26 में हम 4 का भाग देंगे, 4 × 6 = 24 होता है, तो 6 × 26 = 32 हो जाएगा, 32 में 7 का भाग देंगे, 7 × 28, बीसम दिनों की संख्या 4। नेक्स्ट है मंथ, मंथ में क्या बीत चुका है? जनवरी बीत चुका है, फरवरी बीत चुका है, मार्च बीत चुका है, लेकिन डे में हम लिखेंगे 25 अप्रैल, अप्रैल नहीं बीत चुका है तो उसको डे में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 25 दिन में बीसम दिनों की संख्या 4 हो गया, जनवरी 31 का होता है, 3 हो गया, फरवरी ध्यान दीजिएगा 27 एक साधारण वर्ष है, तो फरवरी 28 का होगा, तो बीसम दिनों की संख्या 0, मार्च 31 का होगा, तो इसमें बीसम दिनों की संख्या 3। तो कुल बीसम दिनों की संख्या अगर बात करें, टोटल ऑड डे की बात करें, ऑड डे, तो ध्यान दीजिएगा 4 है, 3 7, 3 10, 10 और यहाँ पे 4 14, फिर से देख लीजिए, ये 4 और 3 ये कट के 7 हो गया, मतलब 7 का तो भाग देना ही है, तो 7 जैसे ही हो रहा है इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3 और 4 ये 7 कट गया, तो टोटल हमारे पास बीसम दिनों की संख्या कितनी बची? 0, और 0 कोड किसका होता है? संडे का। तो आप मैच करा सकते हैं, 25 अप्रैल 2027 को जो दिन होगा वो कौन सा होगा? संडे होगा, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न करते हैं, लास्ट है, डेट से डे निकालने का ये लास्ट प्रश्न है, थोड़ा सा और इसको बदलेंगे। बोलता है कि 23 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था, ठीक है, ध्यान देंगे, सेंचुरी लिखेंगे, सेंचुरी कितना है? 1900, ईयर देखेंगे, ईयर 46, 46 वर्ष,
और मंथ में देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई, और डे में हम चलेंगे कौन सा, 23 अगस्त। ध्यान दीजिएगा, जनवरी एक 3 हो गया, फरवरी 0 हो गया, मार्च 3 हो गया, अप्रैल 2 हो गया, मई 3 हो गया, जून 2 हो गया, जुलाई 3 हो गया और 23 दिन में 2। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, 1900 को तोड़ना है 1600 प्लस 300, 1600 में 0, 300 में, तो 1900 में कुल विषम दिनों की संख्या 1 हो गया। 46 वर्ष में विषम दिन निकालना है 46 लिखेंगे, और दोस्तों 46 वर्ष में लीप वर्ष निकालना है तो 4 का भाग देंगे, 11 होता है, 46 11 कितना हो गया 57 होता है, 57 में 7 का भाग देंगे, 7 8 56 कितना बचेगा 1। टोटल विषम दिनों की संख्या आप जोड़ेंगे, कुल विषम दिनों की संख्या ध्यान दीजिएगा 2 3 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 2 15 15 3 18 18 19 19 1 20, टोटल 20 आया, 20 में 7 का फिर भाग देंगे और डे निकालेंगे, कितना बचेगा 6, और 6 का कोड होता है सैटरडे, क्या होता है सैटरडे या शनिवार, तो 23 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो शनिवार था। मित्रों अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं टाइप टू में आपको मिलेगा, टाइप टू देखिए क्या है, आपको टाइप टू में आपको मैं सिखाऊंगा किसी विशेष वर्ष में, यही लिखवाया था आपको शुरुआत में कैलेंडर से संबंधित प्रश्न में, किसी विशेष वर्ष में किसी विशेष माह के किसी विशेष दिन का पता लगाना। आपको उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि ये मैं कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं कहूँ यदि फरवरी 2020 में मंगलवार, ओके, फरवरी 2020 में, ये क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में मंगलवार कितने होंगे और किस किस तारीख को होंगे, ये हमारा प्रश्न है कि फरवरी 2020 में मंगलवार कितने होंगे और किस किस तारीख को होंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बोल रहे हैं किसी विशेष वर्ष में, किसी विशेष वर्ष का मतलब ये बोल रहा है 2020, यही है किसी विशेष वर्ष में, तो 2020 की बात कर रहा है, किसी विशेष माह में मतलब ये बात कर रहा है, किसी विशेष माह मतलब फरवरी की बात कर रहा है, किसी विशेष दिन का मतलब ये बोल रहा है कि मंगलवार, तो आपको मंगलवार, ठीक है, ये मंगलवार जो है आपको जो है पता कर लगाना होगा कि फरवरी 2020 में मंगलवार कितने होंगे और किस किस तारीख को होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए इसको सीखते हैं। ठीक है मित्रों, इसमें आपको ध्यान देना होगा, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था फरवरी 2020 दिया हुआ है और डे हमें पता लगाना है, कौन सा, हमें मंगलवार पता लगाना है, मंगलवार कितने होंगे और तारीख किस किस तारीख को होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पर आपको तुरंत मान लेना होगा जो भी डेट दिया होगा, एक फरवरी 2020 को हम पहले क्या निकालेंगे, दिन निकालेंगे कि कौन सा दिन होगा, और इसका प्रोसीजर पहले जैसा है, ध्यान देंगे सेंचुरी ईयर मंथ और डे, सेंचुरी इसमें कितना है 2000 वर्ष है, और 2000 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0, ईयर हम देखेंगे 19 वर्ष लेंगे, ध्यान देंगे 20 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो 19 वर्ष लेंगे, और 19 वर्ष में लीप वर्ष 4 होंगे 23 होगा, 23 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा विषम दिन 2 आएगा, मंथ
जनवरी बीत चुका है और जनवरी 31 का होता है, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। लेकिन फरवरी में हमें चलना है, 1 फरवरी में विषम दिनों की संख्या 1। तो ध्यान दीजिए, टोटल ऑड डे जो होता है, टोटल ऑड डे 1 और 3, 4 और 4 और 2, 6। इसका मतलब 6 का कोड होता है शनिवार। ओके, 6 का कोड क्या होता है? शनिवार। तो यहाँ ये बोल रहा है कि 1 फरवरी 2020 को कौन सा दिन है, तो वो होगा शनिवार। लेकिन हमें शनिवार नहीं चाहिए, हमें शनिवार से कहाँ जाना है? मंगलवार तक जाना है। तो मित्रों, आपको मैं अब यही बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप मंगलवार निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमें पता चल गया कि 1 फरवरी को जो दिन पड़ रहा है वो कौन सा दिन पड़ रहा है? शनिवार। तो 2 फरवरी को पड़ेगा रविवार, 3 फरवरी को पड़ेगा सोमवार और 4 फरवरी को पड़ेगा मंगलवार। और यही हमें चाहिए। क्या पूछ रहा है आपसे? मंगलवार पूछ रहा है। तो यहाँ पर मित्रों, हमारा पहला मंगलवार किस तारीख को आया? 4 तारीख को आया। इसका मतलब 4 फरवरी को पहला मंगलवार पड़ेगा, फिर अगला मंगलवार 7 जोड़ते जाइए, 11 फरवरी को पड़ेगा, फिर 11-7 18 फरवरी को पड़ेगा, फिर 25 फरवरी को पड़ेगा। अब दोस्तों, इसके बाद नहीं पड़ेगा, क्यों? फरवरी 29 का पड़ेगा इसमें। तो टोटल हमारे पास मंगलवार की संख्या कितनी आई? 4 आई। ओके, कौन कौन सा? 1, 2, 3 और 4। और तारीख है मित्रों कि पहला जो मंगलवार पड़ेगा वो 4 तारीख को पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 4 फरवरी को मंगलवार, 4 को, 11 को, 18 को और 25 को। तो ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। और इसी प्रकार से दोस्तों, हमें प्रश्न को टेकल कर लेंगे, चाहे कोई भी महीना दे, हम 1 तारीख को निकाल लेंगे और इसके बाद इसी के अनुसार जो है, जो भी दिन पूछेगा उस दिन का हम पता लगा लेंगे कि कितनी बार पड़ेगा और किस किस तारीख को पड़ेगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, 4, 11, 18, 25 आपसे कोई भी पूछ सकता है कि दूसरा मंगलवार कब पड़ेगा, तो 11 तारीख को, तीसरा मंगलवार 18 और चौथा मंगलवार 25 को। मित्रों, इस वीडियो में ये टाइप 2 जो है, हर प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए आपको मैं देता हूँ क्वेश्चन जो है, ये होमवर्क है आपका। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि चलिए बताइए, अप्रैल 1941 में सोमवार कितने होंगे? ओके, कितने होंगे, ठीक है? तो मित्रों, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 1 अप्रैल 1941 को आप डे निकाल लीजिएगा। इसके बाद जो पूछ रहा है उसको कंपेयर कर लेंगे। कैसे? ध्यान दीजिएगा, सेंचुरी में हम कितना लेंगे? 1900 लेंगे। 1900 में विषम दिनों की संख्या 1, 1900 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1, ईयर में हम 40 लेंगे, 40 प्लस 10 50, 50 में 7 का भाग देंगे, 1 आ गया। दोस्तों मंथ में देखिए, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में हम डे में लेंगे, डे में हम 1 अप्रैल लेंगे, ठीक है? अब 1 अप्रैल में विषम दिनों की संख्या 1, जनवरी में 3, फरवरी ध्यान दीजिएगा, फरवरी में 0, मार्च में 3। अब ध्यान दीजिए, 1, 3 और 1, 4, 4, 3, 7, 1 की 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए, 1 और 1 कितना बचा? 2। इसका मतलब ये दिन जो आ रहा है, 2 का कोड क्या होता है? मंगलवार होता है। 2 का कोड क्या होता है? मंगलवार होता है। और हमें अब मंगलवार नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सोमवार चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कैसे निकालेंगे। हमें ये पता चल गया कि 1 अप्रैल को मंगलवार, तो 2 अप्रैल को बुधवार, 3 अप्रैल को गुरुवार, 4 अप्रैल को शुक्रवार, 5 अप्रैल को शनिवार, 6 अप्रैल को रविवार और 7 अप्रैल को, ध्यान दीजिएगा, 7 अप्रैल को पड़ रहा है क्या? सोमवार। इसका मतलब पहला सोमवार किस तारीख को पड़ा? 7 तारीख को, फिर 7 जोड़ दीजिए, 14 तारीख को, फिर 21 तारीख को और फिर 28 तारीख को। तो हमारा उत्तर आएगा यहाँ पे कि टोटल सोमवार कितने पड़ेंगे? 4। और किस किस तारीख को? तो 7 को, 14 को, 21 को और 28 को। इस प्रकार से टाइप 2 समाप्त होता है। मित्रों, मिलते हैं कैलेंडर के लेक्चर नंबर 4 में, और तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।